दोस्तों, छठ पूजा में छठी मैया को यह पांच चीज कभी भूल कर भी मत चराना। ऐसी छठ पूजा कभी मत करना, घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया क्रोधित हो जाती है। अगर आप सच में छठी मैया की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय हो छठी मैया की। छठी मैया का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है, लेकिन पूजा के समय कोई भी गलती से नाराज भी हो जाती है, इसलिए छठ पर्व में तैयारी के बीच कुछ चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। इस साल छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर से हो रही है। चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व सभी के लिए बहुत खास होता है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व होता है। बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा पर्व छठ पूरे देश में बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक चलने वाला चार दिन का यह पर्व शुक्रवार से नहाए खाए के साथ शुरू होगा। सूर्य देव की बहन छठी मैया की पूजा में अगर कुछ भूल चुक हो जाती है तो यह आपको महंगा पड़ सकता है। पूजा के दौरान अगर आप यह गलतियां करते हैं तो छठी मैया नाराज हो सकती है। आपको पूजा का पूरा फल मिले और छठी मैया आप पर प्रसन्न हो जाए, इसके लिए आपको इन गलतियों से बचना चाहिए। हर पर्व में व्रत रखा जाता है, लेकिन छठ पूजा का व्रत बहुत ही कठिन होता है। आमतौर पर 24 से 30 घंटा निर्जला व्रत रखा जाता है, लेकिन सबसे अधिक 36 घंटे का निर्जला व्रत इसी महापर्व में रखा जाता है। वहीं छठ पूजा बहुत ही शुद्धता के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। इस महापर्व में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, नहीं तो पूजा असफल हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की शक्ति यानी छठी तिथि पर मनाया जाता है। यह हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है। जो खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है, यह व्रत करने वाले व्रतधारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को आज्ञा देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है छठ मैया क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा पति पर भारी संकट आ सकती है। छठे दिन पूजी जाने वाली सृष्टि को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारते हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन है, देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं पुराने में मां दुर्गा के छठे रूप कात्यानी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। खासकर वह जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वह छठ का व्रत रखते हैं। वही सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि दोस्तों, आप में से कौन कौन छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहता है, वह सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हो छठी मैया की। छठ मैया के लिए एक लाइक तो बनता है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वह शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं और वही बिन शादी के। जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समझ में ऐसा रिश्ता ठीक नहीं माना जाता है। धार्मिक कार्य में तभी ही सफलता से शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के साथ फेरे ले ले। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपका ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। अगर कोई महिला शौक में यानी बेमन से इस व्रत को रखती है तो उसके पति या संतान पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान को कष्ट कभी नहीं आती, छठी मैया करती है। रक्षा घर परिवार होता है। खुशहाल छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं होती है पूरी। दोस्तों, वही कुंवारी कन्याएं भी छठ पूजा कर सकती हैं। छठ पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है,
इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती है। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी पांच चीज हैं जो नहीं चढ़ाने चाहिए, भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर एक, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूल कर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से आगे नहीं देना चाहिए, इससे व्रत टूट सकता है। दोस्तों, नंबर दो, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांस आहार न बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दें। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि या धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर तीन, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजा चूल्हा बनाया गया हो। यदि गैस पर बना रहे हो तो अच्छे से साफ कर लें। दोस्तों, नंबर चार, सूर्य को अर्घ देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण न करें, घोर पाप लगेगा। व्रतधारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। नंबर पांच, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत को पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर छह, घर में प्याज और लहसुन का प्रयोग इन चार दिनों तक भूल कर भी ना करें, इससे जीवन में आपको बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। इस समय लहसुन प्याज वगैरह से दूरी बना ले। दोस्तों, नंबर सात, छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर चार दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए, ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। नंबर आठ, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहां साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। दोस्तों, नंबर नौ, प्रसाद बनाते हुए साफ सफाई का ध्यान रखें। दोस्तों, नंबर दस, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें, जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, नंबर ग्यारह, घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का देर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है, व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य कर लें, इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है, वह छठ पूजा के दौरान सरल उपाय करके सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। आइए जानते हैं सूर्य से जुड़े उपाय। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो छठ के दौरान आप गुड़ का दान कर सकते हैं। सूर्य को आगे देने से भी कुंडली में सूर्य दोष समाप्त हो जाता है, इसलिए सूर्य को अर्घ जरूर दें। ऐसा करने से सूर्य जल्दी प्रसन्न होते हैं, साथ ही ऐसा करने से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आप छठ के दौरान अपने सर से छह नारियल अपने सर से बाहर कर किसी जल में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा जो लोग छठ का व्रत रख रहे हैं उनकी सेवा करने से भी सूर्य देव और छठ मैया प्रसन्न होंगे, साथ ही उनके पैर छूकर आशीर्वाद मिले। दोस्तों, अगर आप भी छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहता है तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय हो छठी मैया लिखें।